वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है सूजी की इडली विद अनियन टमाटो चटनी। तो हम ये रेसिपी माइक्रोवेव में बना रहे हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली कैसे बनाते हैं माइक्रोवेव में। इसके लिए हम 2 कप सूजी ले रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं 1 कप पानी। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा ड्राई लग रहा है, 1/2 कप पानी और डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे इसे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, ये हमारी सूजी की इडली को सॉफ्ट बनाएगा। और इसमें डालेंगे 1/4 कप दही, जो कि बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दही होगा, वही ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही सूजी पानी से मिक्स हो जाए। इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून काफ़ी है, और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कम लगेगा तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, उसमें डालेंगे 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल, थोड़ा सा इसे सॉटे करेंगे। इसमें डालेंगे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। उसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज, मोटे मोटे कटा हुआ, और इसे भी सॉटे करेंगे। अब थोड़ा सा भून लेंगे इसे हल्का सा, इसका कच्चापन निकल जाए। और इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर, इसे भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। और फिर इसे हम ढक्कन ढक कर 5 मिनट के लिए नरम होने के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे, देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। आप चाहें तो इसे और भी पका सकते हैं कि बिल्कुल मशी हो जाए। थोड़ा ठंडा कर लेना है, तो गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। बैटर चेक करते हैं तो हमारी सूजी फूल गई है। तो हम डालेंगे फ्रूट सॉल्ट, तो हम 1 पाउच इनो का डाल रहे हैं इसमें, और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए, और इसे मिक्स कर लें। बिल्कुल जो उसका बैटर है वो बहुत फ्रॉदी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इडली हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर माइक्रोवेव में दिया हुआ मोल्ड को ग्रीस कर लेना है। तो इसमें हम ज़रा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे। ये मोल्ड हमें माइक्रोवेव में मिलता है, तो इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम फिल कर देंगे बैटर अपना, 1-1 टीस्पून डालेंगे, और इस तरह से हम इसमें माइक्रोवेव प्रूफ बोल में करके रखेंगे, एक के ऊपर एक करके। तो मैंने 3 मोल्ड में लगा लिया है और इसे हम 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। तो ये टमाटर और प्याज ठंडी हो गई है, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक ग्राइंडिंग जार में, और इसमें डाल देंगे नमक और छोटा सा इमली का टुकड़ा, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। 6 मिनट के बाद हमारी इडली बहुत अच्छे से बन गई है। अब इसे हम थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम देंगे। तड़का के लिए हम पैन में डालेंगे तेल, और उसमें डालेंगे सरसों या राई, उड़द की दाल, तड़कने लगेगा, थोड़ा सा स्प्लटर करेगा। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता, तो करी पत्ता फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये भी थोड़ा सा पकाने के बाद अब चटनी के ऊपर इसे डाल देंगे और चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी चटनी तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है ये। अब इडली को भी देख लीजिए आप, तो इडली को इस तरह स्पून से स्कूप कर लेना है, और बहुत सॉफ्ट इडली बनी है, गर्म है अभी। सारी इडली इस तरह से निकाल लेंगे हम, सर्व कर रहे हैं चटनी के साथ इडली गरम गरम। और ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़ेदार होती है, और शाम के स्नैक्स में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली विथ अनियन टमाटो चटनी आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।